अभी ये बात मत कीजिएगा। पाटिल भाऊ, पाटिल भाऊ, पहचाना मुझे? कौन हूं मैं? गंगाराम जी, हम आपको पहचानते भी हैं और जानते भी। आप तो सच में ज्ञानी हो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे गंगाराम जी, कैसे आना हुआ, क्यों आना हुआ, किस कारण से आए हैं, वो तो बताइए। क्या बताऊँ, अभी अभी आपने कहा आप सब जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, अब जो सब जानता भी है उसे बताने की जरूरत ही क्या है। गंगाराम जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, कृपा करके बताइए कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। गोविंद राव जी ने आपके यहाँ आने का कार्यक्रम बना लिया है, यही सूचना लेके आया हूँ मैं। अच्छा, तो गोविंद राव जी कब आ रहे हैं? फिर से गलत समझ गए आप, गोविंद राव जी अकेले नहीं आ रहे, साथ में सगुना ताई और उनके बड़े बेटे राजा राम जी भी आ रहे हैं। और हाँ, वो एकादशी वाले दिन ही पहुंच जाएंगे आपके यहाँ, तैयारी करिए पाटिल भाऊ। अच्छा अच्छा, अंदर चलिए, बाकी बातें जलपान के बाद करेंगे। खाली जलपान से पीछा छूटने वाला नहीं है, आज तो भोजन और भोजन के बाद सोने के लिए खाट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भी कोई कहने की बात है, आइए। भाई बात हो ना हो, मैंने कह दी। ठीक है।